ताल मिश्री या पाम शुगर एक प्राकृतिक स्वीटनर है। इसमें रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक नहीं होते हैं। ताल मिश्री को ताल के पेड़ से बनाया जाता है। इसे ताल की चीनी भी कह सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ताल मिश्री या पाम शुगर हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। नंबर वन, ताल मिश्री में साधारण चीनी की अपेक्षा अधिक मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक एंड विटामिन होते हैं। पोटेशियम आवश्यक होता है मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में। 1 टेबलस्पून ताल मिश्री में 1% डेली रिक्वायरमेंट जितना पोटेशियम होता है। इसे चीनी के स्थान पर यूज कर सकते हैं। ताल मिश्री में अधिक मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। रोज ताल मिश्री के इस्तेमाल से हड्डियां और नसल स्वस्थ रहते हैं। नंबर टू, ताल मिश्री ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करती है, पर ये उनके लिए नहीं है जिन्हें डायबिटीज है। ये उनके लिए है जिनको डायबिटीज होने का खतरा रहता है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज होने का खतरा है, यदि वो चीनी के स्थान पर ताल मिश्री का उपयोग करें तो लंबे समय तक डायबिटीज से बचे रह सकते हैं। नंबर थ्री, ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और वेट लॉस करने में सहायता करती है। यदि चीनी के स्थान पर ताल मिश्री का उपयोग किया जाए तो वेट लॉस करने में आसानी होगी, पर अत्यधिक प्रयोग से वजन बढ़ सकता है। नंबर फोर, ये आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। ताल मिश्री एक प्राकृतिक स्वीटनर है जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स नहीं होते हैं और ये हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है, इसलिए आर्थराइटिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। नंबर फाइव, ताल मिश्री में अधिक मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसमें यह हीमोग्लोबिन लेवल को सही बनाए रखने में सहायता करता है। चीनी के स्थान पर ताल मिश्री के प्रयोग से एनीमिया से बचा जा सकता है। नंबर सिक्स, ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि सिर्फ नॉनवेज खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है। ताल मिश्री एक अकेला ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें अधिक मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। हमेशा ये पाया गया है कि जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उन्हें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो ये एक अच्छा सोर्स है उनके लिए जो प्योर वेजिटेरियन है। ताल मिश्री एक प्राकृतिक स्वीटनर है, पर अधिक मात्रा में इसके सेवन से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह चीनी की अपेक्षा एक्सपेंसिव है और डायबिटिक्स के लिए भी सही नहीं है। यदि ताल मिश्री को चीनी के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो लाभ मिल सकता है।